शक्ति का तरफ से आदरणीय अपने महासचिव जी का आशीर्वाद लेके एक एक वंश की चर्चा करूंगा, पैर पकड़कर उनको लेकर पार्टी के बीच में खड़ा करने का प्रयास करूंगा। मेरी क्षमता मुझे 4 महीने बने हुआ है, प्रदेश के डॉक्टर मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे दीदी प्रियंका जी ने, राहुल जी ने मुझे दिया। 4 महीने मुझे हुआ, 4 महीने में ज्यादा से ज्यादा कोई जिला बर्बाद होती रही। हमारा एक ही कार्यकर्ता न टीका न हटा, न कहीं नीचे छाता में लगाया, न कहीं वो टीले के नीचे गया। वो फेंकते हुए अपने संकल्प के साथ, अपनी दलदारी के साथ, अपनी कटिबद्धता प्रतिबद्धता के साथ वो कांग्रेस को आगे मजबूत करने के लिए 30 से 40 को इस देश में तानाशाहों को भगाने के लिए दिन रात कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ खड़े रहे। जी आज गोमती के तट पर ऐतिहासिक शहीदों के इस स्मारक को नमन करते हुए सहारनपुर से लखनऊ की इस उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा में सहभागी और उसके विशेष रूप से समापन कार्यक्रम में मेरे साथ यहां उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सदस्य, मेरे बड़े भाई प्रमोद तिवारी जी, हमारे मार्गदर्शक एवं हम सब के शुभचिंतक एवं देश के मंत्रिमंडल में जिन्होंने इस देश की आवाज को ना ही सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बुलंद किया, ऐसे हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद साहब। सर, आज यूपी जोड़ो यात्रा का समापन हुआ है, क्या कहना? देखिए, एक ऐतिहासिक यात्रा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बहुत ही सफलतम यात्रा रही। यह यात्रा सहारनपुर से शुरू होकर जो लखनऊ पहुंची है, इस बीच में कांग्रेस के हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता इसमें जुड़कर जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाया है, मैं उन सभी का अभिवादन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये यात्रा उत्तर प्रदेश में हमारे किसानों की आवाज़ को लेकर, हमारे बेरोजगार युवकों की आवाज़ को लेकर, हमारे उन गन्ना मिल मजदूरों की आवाज़ को लेकर और हमारे उन गृहणियों की आवाज़ को लेकर ये यात्रा निकली थी। इस यात्रा में पूरे दिन जो यात्रा चली उसके माध्यम से माननीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश था, जहां पर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का एक मोहब्बत का पैगाम लेकर इस यात्रा ने सब जगह अपने उनके संदेश को पहुंचाया। मुझे खुशी है कि इस यात्रा का आज ये समापन नहीं हुआ है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जोश का एक नया संचार हुआ है और इसी जोश के साथ में कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी जी की यात्रा जो 14 फरवरी को यहाँ पर जिसका आरंभ जहाँ पर आ रही है, उस यात्रा में इस संदेश को गांव-गांव तक पहुँचाकर और सभी से आह्वान करेंगे कि उस यात्रा को सफल बनाने के लिए, उनके स्वागत के लिए यूपी का कार्यकर्ता वहाँ एकत्रित हो। मैं पुनः एक बार बधाई देता हूँ इस यात्रा की सफलता के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कौन कौन नेता उसमें शामिल रहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के का प्रभार के बाद में ये मेरा पहला दौरा है। मैं कृतज्ञ हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनकी उपस्थिति का पूरा लाभ लिया जाएगा। इसके बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक अति महत्वपूर्ण बैठक है जहाँ पर हमारे जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे एमपी, फॉर्मर एमपी, हमारे भूतपूर्व मंत्री, हमारे एमएलएज, विधायक दल के नेता, पीसीसी अध्यक्ष, इनके साथ में चर्चा विमर्श कर आगे आने वाले दिनों में संगठन की सशक्तिकरण के लिए एवं राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर आगे का नियोजन और हमारे आंदोलन के क्या क्या कार्यक्रम होंगे,
इन सभी कार्यक्रमों को लेकर उनके सुझाव के आधार पर जो एक रूपरेखा तैयार की जाएगी, उस रूपरेखा को लेकर कल जनरल बॉडी में चर्चा कर उन सुझावों को सर्व लोगों की मान्यता से आगे के 30 दिन के कार्यक्रम बनाए जाएंगे। और इस 30 दिन के कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिलों पर इस आवाज़ को, इस संदेश को उन कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने का हम प्रयत्न करेंगे। अजय राय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यात्रा का समापन हो चुका है, यूपी जोड़ो यात्रा का किस संकल्प के साथ आप उठे हैं? संकल्प आपने देखा ना कि भाई पूरी तरीके से ये सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है, ये महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। आज महिला के साथ देखिए बलात्कार करके दो दो विधायक जेल में हैं इनके, कुलदीप सेंगर उन्नाव का, राम दुलारे गौड़ जो है सोनभद्र का। आप देख सकते हैं आज बनारस के अंदर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में तीन तीन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया आईटी की बिटिया के साथ। वो केवल और केवल उनका एक गिरफ्तारी का एक नाटक किया गया है, दो महीने तक उसको बचाया गया। जब उस पर कांग्रेस का दबाव बना, हमारे ऊपर FIR हुई, मैंने कहा था संघ और भाजपा के लोग हैं, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया, वो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी नाटकीय गिरफ्तारी दिखाकर उसको जेल भेज दिया गया। ये सारे मुद्दे पूरी तरीके से ये संकल्पित हैं और हम सब लोग आज ये फर्जी इनकाउंटर करा रहे हैं, फर्जी मरवा रहे हैं लोगों को जो इनके विरोध में हैं, उनकी हत्या करा रही है सरकार। ये सारी चीज़ों को यहाँ संकल्प लेकर हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश उखाड़ कर फेंक देंगे। अजय जी, अभी आपने देखा नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई, लेकिन उसके पीछे भारतीय रक्षा दल का नेता निकला। आप देखिए, और वो भी फेक नाम से, फेक नेम से कराया गया, मुस्लिमों के नाम से कराकर उसमें जो निकला वो उनके जो आपने कहा गौसेवक उनके निकला, और वो कहीं ना कहीं योगी जी के साथ उसकी फोटोज हैं सारे नेताओं के साथ। तो ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से नफरत की बात की जा रही है, पर ये उत्तर प्रदेश, ये गंगा जमुनी तहजीब का प्रदेश है जहाँ सब भाईचारे के साथ मिलकर काम करते हैं। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा अब अपने मंजिल पर पहुँच चुकी है, शहीद स्मारक में यूपी जोड़ो यात्रा पहुँच चुकी है अजय राय के नेतृत्व में, और अब अजय राय जो है वो शहीदों को नमन करेंगे और राजनीतिक संकल्प लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे सामने अजय राय नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। देख सकते हैं कितना उत्साह है इनके अंदर, हजारों की तादाद में जो है आज कांग्रेसी शहीद स्मारक में मौजूद है, और आज जो है अंत हुआ है यूपी जोड़ो यात्रा का और तमाम कांग्रेसी है उनसे बात करेंगे। मैम, आज यूपी जोड़ो यात्रा समाप्त हो गई है, कैसी रही यात्रा, आप शुरुआत से यात्रा का हिस्सा थी? जो आप देख रहे हैं उमड़ता हुआ जन सैलाब, इतने उत्साह के साथ पूरे प्रदेश से आज लोग यहाँ एकत्रित हैं। मैं 20 तारीख से माँ सागमरी देवी के से आशीर्वाद लेके जब अजय राय जी के नेतृत्व में यात्रा चली, डे बाय डे जैसे हम लग रहा था कि आज अच्छा है तो लगता था उससे भी ज़्यादा अच्छा नेक्स्ट डे है, और लखनऊ तक आते आते आपने देखा कि पूरा लखनऊ तिरंगे से ढक गया, और ये आगामी आने वाले समय की ये गूंज है कि अब सांप्रदायिकता की भावना को भड़काने वाले अब जाएंगे और समतामूलक समाज की स्थापना के ध्वजवाहक कांग्रेसी आएंगे। ऊर्जा से भरपूर रही है यात्रा? 100% ऊर्जा, यानी अब उससे ज़्यादा कांग्रेसियों में एक नई लौ पैदा हो गई है। हाँ, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश नेतृत्व को का भी अभिनंदन करना चाहूंगी कि जो उत्साह हम लोग देखना चाहते थे वो आदरणीय अध्यक्ष जी ने, और आया आया शेर आया जो उनके लिए नारा लग रहा था वो वास्तव में चरितार्थ हो रहा है, और जहाँ भी है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं को क्या चाहिए, उन्हें केवल निडरता चाहिए। क्या संकल्प लेके उठेंगे? 2024 ध्वज लहराना है, कांग्रेस को वापस लाना है। उत्साह है इन कांग्रेसियों के अंदर, हजारों की तादाद में जो कांग्रेसी थे वो आज यहाँ पे इकट्ठा हुए। आज यूपी जोड़ो यात्रा का जो अंतिम दिन था वो समाप्त हो चुकी है, और कांग्रेसियों ने ये एक संकल्प लिया है कि 2024 में ध्वज लहराना है, कांग्रेस को वापस लाना है। एक मुट्ठी में बेहतर थी बाह के सहारे है कौन काम ऐसा जो ना हाथ हमारे है। इस उत्साह पूर्वक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सभी कांग्रेसी, और निश्चित रूप से जो पूर्ण दत्तचित्तता पूर्ण मनोयोग के साथ यदि कोई कार्य किया जाता है तो सफलता कदम चूमती है। भारत माता की जय। राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा अब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जय गण मंगल दायक जय है भाग्य विधाता जय 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 हे भारत माता की जय बोलो भारत माता की जय।